हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूँ। वर्ग 3 से संबंधित जो भी आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूँ। तो दोस्तों, अभी सबसे बड़ा कन्फ्यूजन दो है आपके मन में। पहला है कि एनआरए लागू होगा क्या? अब एनआरए के द्वारा ही वर्ग 3 के एग्जाम कराएंगे क्या, या फिर पीएबी आपके एग्जाम कंडक्ट करेगा? साथ में 26 सितंबर को एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे? दोनों ही कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, एनआरए जो है वो अभी लागू हुआ है और इसका जो आगामी भर्ती है उन पर असर देखने को आपको मिलेगा। चाहे रेलवे हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, और भी जो विभिन्न एग्जाम होते हैं वो। लेकिन जिनके फॉर्म फिल हो चुके हैं, जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं, वो अपनी एग्जाम कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। जहां तक बात करें प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की, तो उन्होंने जो डेट बताई वो 26 सितंबर बताई है। और दोस्तों ध्यान रखें कि 26 सितंबर को यदि उन्होंने एग्जाम शुरू कर दिए, तो बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में है कि डेट्स आगे बढ़ सकती हैं। उसका पीछे तर्क यही है कि कोरोना वायरस का खतरा कितना है। अब मान लो कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यदि बंद होता है, क्योंकि सभी बोर्ड जो है अब बंद हो जाएंगे धीरे धीरे, सिर्फ एक ही बोर्ड बचेगा, एनआरए, या फिर एनआरए के अंतर्गत ये बोर्ड काम करेंगे। तो जब बोर्ड खत्म हो जाएंगे और एनआरए ही एकमात्र बोर्ड बचेगा जो आपके सभी एग्जाम कराने वाला है, तो जो इनके एग्जाम रह जाएंगे वो जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ये सोचेगा कि जितने भी मेरे एग्जाम्स हैं वो मैं जल्दी से कंडक्ट करा लूं, जिससे कि मैं अपना काम पूरा कर सकूं। और यहाँ पर आवागमन के साधन भी शुरू हो गए हैं, जो आपको मालूम है कि कल से बसेस स्टार्ट हो गई हैं दोस्तों, तो वो आवागमन के साधन स्टार्ट हो गए हैं, तो वो एक जो बड़ा इशू था वो सॉल्व हो गया है। साथ में दोस्तों, कोरोना वायरस का खतरा होते हुए भी बहुत से राज्यों में एग्जाम कराए जा रहे हैं, तो उसका उदाहरण लिया जा सकता है। और यहाँ पर यदि 26 सितंबर को आपके एग्जाम शुरू हो गए और आपकी तैयारी बेस्ट नहीं रही, तो जो वर्ग 3 है वो बुलेट ट्रेन की तरह आपके सामने आएगी तो सही, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पाओगे, वो स्पीड में निकल जाएगी। इसलिए 25 अप्रैल से लेके और अभी तक मैं लगातार आपसे रिक्वेस्ट करता आ रहा हूं कि प्लीज तैयारी न छोड़ें। और मैं अपने आप को लक्की समझता हूँ कि कुछ लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट को माना है और उन्होंने कहा है कि सर, आप 25 अप्रैल की बात कर रहे हैं, हम तो जनवरी से तैयारी में लगे हुए, हमारी तैयारी बेटर है। तो बिल्कुल उन्हें जॉब मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उनका बेस्ट स्कोर आने वाला है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी यहाँ भी बोलना चाहूंगा जो कि 2 नंबर से 3 नंबर से 4 नंबर से रह जाते हैं। वर्ग 1 और वर्ग 2 में हुआ था ऐसा। वर्ग 1 और वर्ग 2 में एग्जाम की डेट 1 महीने आगे बढ़ाई गई थी, उसमें बहुत से लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी थी दोस्तों। और जब 1 महीने बाद उनके प्रवेश पत्र जारी हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था ये एग्जाम हो जाएंगे, हमने सोचा और आगे बढ़ेंगे, ये एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने तो प्रवेश पत्र जारी कर दिए, तो हम इस बात को लेकर न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय में तब जा सकते हो जब 1 महीने पहले आपको नोटिस ना दिया गया हो एग्जाम का। तो पर्पस एग्जामिनेशन बोर्ड ने तो 1 महीने पहले ही कह दिया था कि वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो एग्जाम होंगे वो इस दिन होंगे, तो वहां तो वो सेफ हो गए। वहीं पर्पस एग्जामिनेशन बोर्ड ने 26 सितंबर आपकी डेट डाल रखी है और वो वापस सेव है, यानी कि आपकी कहीं सुनवाई भी नहीं होगी। यदि 26 सितंबर को आपके एग्जाम शुरू हो गए, आप सोचो कि ये तो आगे बढ़ने थे या कुछ और होना था और वो नहीं हो पाया, तो वहां सीधा आपका नुकसान है। तो उन लोगों से मैं निवेदन जरूर करूंगा जो 2 नंबर से 4 नंबर से नौकरी पाते पाते रह जाएंगे, इस बीच का आप यूज कर लें तो डेफिनेटली आप वो स्कोर लाएंगे जिससे आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बहुत सारे कंफ्यूजन मेरे सामने रखे जाते हैं कि ये कहा जाता है सर, इसमें पोस्टें ही नहीं बताई गई हैं, तो हम किस बेस पर तैयारी करें? पोस्टें आपकी तब काम की हैं जब आपका स्कोर अच्छा आएगा दोस्तों। ये माने कि 6 लाख लोगों ने फार्म फिल किया है, 6 लाख लोगों की नौकरी नहीं लगनी है। फार्म फिल करते ही वो डिस्क्वालिफाइड हो चुके हैं, नौकरी उनकी लगेगी जितनी पोस्टें आएंगी और जिनके नंबर उस पोस्ट से मैच कर जाएंगे। और आपको वही करना है कि आपके जो नंबर हैं उस पोस्ट से मैच कर जाएं। तो ये कंफ्यूजन अभी अपने मन में ना डालें कि भैया पोस्टर डिसाइड नहीं है, डेट भी डिसाइड नहीं है। और बहुत से लोग तो उदाहरण वर्ग 1 और वर्ग 2 का भी देते हैं कि भैया उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो हमारी कहाँ से हो जाएगी। अरे, उन्होंने अपनी मेहनत, अपना संघर्ष कर लिया है लाइफ का, अब उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उनका ज्वाइनिंग लिस्ट में नाम आ चुका है, आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को जॉब देनी ही होगी, नियम अनुसार देनी होगी। तो उन्होंने तो अपने लाइफ का संघर्ष पूरा कर लिया, आप उनकी राह पे चलोगे ना, तो
तो फिर बैठे रह जाओगे। वो बैठे नहीं थे, वो कंफ्यूजन में नहीं आए थे, उन्होंने अपनी तैयारी की। वर्ग एक और वर्ग दो से आप सीखें दोस्तों। वर्ग दो में तो कम पोस्टें थी, हिंदी में ले लें आप, सोशल साइंस में ले लें, साइंस में ले लें, उर्दू में ले लें, कम पोस्टें थी, वहां भी लोगों के सिलेक्शन लिस्ट में नाम आए। किस बेस पर? कि उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। वही मैं आपसे रिक्वेस्ट बार बार करता हूं दोस्तों, ये कंफ्यूजन बहुत से लोग फैलाते हैं। वो तो अपना फोकस बनाए हुए हैं कि हमें कंफ्यूजन क्रिएट करना ही करना है। तीन मुद्दे चलाने ही चलाने हैं। पहला मुद्दा कि भैया कोरोना वायरस है, 26 सितंबर को एग्जाम कैसे ही नहीं होंगे, पढ़ाई बंद करो। दूसरा कंफ्यूजन, भैया आपकी पोस्टें ही डिसाइड नहीं है, पोस्टें पता नहीं कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी, इसलिए आप पढ़ाई बंद करो। तीसरा कंफ्यूजन कि भैया वर्ग एक और वर्ग दो की आज तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, आपकी क्या पॉसिबिलिटी है कि ज्वाइनिंग हो जाएगी? तो भैया पढ़ाई बंद करो। तो वो तो अपने फोकस में लगे हुए हैं। अब आपका फोकस टूटता है कि नहीं टूटता, ये आप जाने दोस्तों। क्योंकि बीएड और डीएड में आपके माता पिता की आपकी खून पसीने की कमाई लगी है दोस्तों, उसका दायित्व सिर्फ आपके ऊपर है। आपकी रात दिन की मेहनत लगी है उस बीएड डीएड में। और जो वर्ग एक और वर्ग दो से एक कहें कि कुछ नंबरों से रह गए हैं, वो भी इस बात को समझें। क्योंकि इस बार यदि वर्ग तीन से आप चूके तो अगला एग्जाम कब होगा? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि 2030 में है, 4 साल का बीएड जो है कंपलसरी वहां तक हो जाएगा। जो 4 साल का बीएड होगा उन्हें लाभ मिलेगा। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि भैया 2030 में हो सकता है वर्ग एक वर्ग दो वर्ग तीन दोबारा से आए। तो जान समझ रहे हो कितना बड़ा गैप है। जिनकी एज 18 या 19 वर्ष है या 20 वर्ष है, उनके लिए तो ठीक है कि अगर 8-10 साल या 10 साल बाद भी एग्जाम होते हैं तो उनकी एज क्या होगी? जब आज 20 साल का है, वो 30 साल का हो जाएगा, 30 साल का हो जाएगा, तो वो एग्जाम आराम से दे लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास समय है। लेकिन जिनके लिए आखिरी मौका है, जो ऑवरेज हो जाएंगे, उनके पास ये लास्ट मौका है। अब या तो इन चीजों में उलझ लो आप कि भैया डेट डिसाइड नहीं है, भैया पोस्टें डिसाइड भी नहीं है, और भैया वर्ग एक और दो की तो अभी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, तो इसमें उलझ जाओ, क्योंकि आपकी लाइफ आपको ही बनानी है। अतुल कुमार शर्मा तो सिर्फ निवेदन ही कर सकते हैं। जैसे कि एक मैं आपको कहानी सुना दूं कि एक इंसान था, पानी के बीच में फंसा हुआ था, नदी के बीच में, और एक बार एक नौका आई उसके पास कि भैया इसमें सवार हो जाओ। उसने कहा मुझे तो मेरे भगवान बचाएंगे। दूसरी बात, कुछ दल फिर उसके पास पहुंचे कि भैया हमारे साथ चलो क्योंकि नदी का पानी बढ़ रहा है। उसने कहा मेरे तो भगवान बचाएंगे। तीसरी बार हेलीकॉप्टर भी पहुंचा कि भैया इसमें बैठ के आ जाओ, नदी का पानी उफान पे आ रहा है, आप डूब जाओगे। उसने कहा मुझे तो मेरे भगवान बचाएंगे। और लास्ट में हुआ ऐसा कि वो पानी में बह गया, डूब गया। ऊपर पहुंचा, कहा भगवान आपने मुझे बचाया ही नहीं, मैं आपकी इतनी भक्ति करता था। भगवान ने कहा कि भैया 4-4 लोग तुम्हारे पास भेजे थे, तुमने उनकी बात ही नहीं सुनी, अब उससे ज्यादा मैं क्या करता। तो बस दोस्तों यही है कि भगवान हो, चाहे कुछ आपके बैल बेसर हो जो आपका अच्छा चाहते हो, और चाहे आपके माता पिता हो जो आपको अच्छा चाहते हो, सबकी बात यदि आप सुनोगे, सब एक ही कहेंगे कि पढ़ाई अपनी बंद ना रखो और दम से जारी रखो, जुनून के साथ पढ़ो, जिससे कि आप एक सीट हासिल कर सकें। अब भगवान किसी की मदद करते हैं तो उसके पास सही सूचना ही पहुंचा सकते हैं। इसके बाद आप सोचो कि भगवान आ जाएं आपकी लाइफ में, आपकी जगह वो तैयारी करना शुरू कर दें, वर्ग तीन का पूरा सिलेबस भी रट डालें, फिर आपकी जगह वो एग्जाम भी दें और आपको 150 में से अच्छे नंबर भी दिला दें, और फिर आप जब वेरिफिकेशन पर जाओ तो आपका वो भगवान जब इतना काम कर लिया तो वेरिफिकेशन पे भी आप चले जाओ और ज्वाइनिंग भी आप कर लो, और आगे जो शिक्षक भर्ती में जो भी पढ़ाई करनी है, बच्चों को सिलेबस वगैरह पढ़ाना है, वो भी आप पढ़ा लो। मैं तो भैया यहीं बैठा हूँ, आपकी भक्ति कर रहा हूँ। तो ये एक अपने आप में भ्रम हो गया दोस्तों, ऐसा कुछ होना नहीं है। पढ़ाई भी आपको ही करनी है, बेस्ट स्कोर भी आपको ही लाना है, जॉब भी आपको ही करनी है, ज्वाइनिंग भी आपको ही लेनी है, सब कुछ आपको ही करना है। या कोई और आपकी लाइफ में है नहीं। आप सोचो कि जो चैनल्स वाले आपको या यूट्यूबर्स हैं कुछ भ्रमित करते हैं, कुछ आपको मोटिवेटेड करते हैं, उन्हें आपकी जगह ज्वाइनिंग लेनी है तो उन्हें तो लेनी नहीं है। जो आपको ये बता रहे हैं कि 26 सितंबर को एग्जाम नहीं होने हैं, तो उन्हें तो आपकी जगह ज्वाइनिंग लेनी नहीं है, उन्हें तो कोई एग्जाम देना नहीं है। उनकी तो लाइफ का एक ही गोल है कि हमारा जो चैनल है उसमें सब्सक्राइबर और व्यू कैसे बढ़ाए जाए, उसमें वो लगे हुए हैं। हमारे नोट्स हैं उन्हें कैसे अच्छे से सेल किए जाएं, उसमें वो लगे हुए हैं।
आपसे कुछ लेना देना थोड़ी ना है। आपकी यदि जॉब लग जाती है तो उनके अकाउंट में थोड़ी पेमेंट आ रही है। आपकी जॉब लग जाती है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ी कहलाएंगे, कोई यूट्यूबर्स होगा वो यूट्यूबर्स ही कहलाएगा ना, वो ये थोड़ी कहलाएगा कि भैया सामने वाले को बताया था उसने ज्वाइनिंग कर ली है तो अब मैं गवर्नमेंट टीचर कहला रहा हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। गवर्नमेंट टीचर आप कहलाओगे, आपके अकाउंट में पेमेंट आएगी जो भी आनी है, उसके अकाउंट में तो आनी नहीं है। तो समझे दोस्तों, सबका अपना अपना एक कहते हैं कि स्वार्थ होता है, आप उन स्वार्थों में क्यों उलझ रहे हो। एनआरए आपका एग्जाम नहीं कराएगा, वर्ग तीन का पीए भी कराएगा, संभावना प्रबल है कि 26 सितंबर को एग्जाम शुरू हो जाए, इसलिए प्लीज तैयारी जारी रखें। यदि एग्जाम डेट से आगे बढ़ती है तब भी आपको लाभ है। कुछ बात मेरी बुरी लगी हो तो दिल से सॉरी चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन दिल की बात होती है। मैं आपको बस एक चीज समझाना चाहता हूँ कि पढ़ाई कैसे भी ना छोड़ें, उस पढ़ाई के बेसिस पे एक ज्वाइनिंग ले लें, क्योंकि आगे चल के कब एग्जाम होंगे वर्ग एक और वर्ग दो के, दो वर्ग तीन के दोबारा से, किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो प्लीज सीरियसली पढ़ाई करें, इन चीजों में ना उलझें। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।